नमस्कार, निर्माण IAS में आपका स्वागत है। आज हम 18 अप्रैल को द हिंदू में प्रकाशित लेख क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पर चर्चा करेंगे। यह आर्टिकल भारतीय निर्वाचन आयोग की भूमिका पर उठ रहे प्रश्न चिन्हों पर आधारित है, तो चलिए शुरू करते हैं। चुनाव लोकतंत्र का आधार है और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता लोकतंत्र की वैधता के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए चुनाव आयोग को अपनी स्वायत्तता की रक्षा करने के लिए तत्काल सुरक्षा उपायों की ज़रूरत है। वर्तमान में आवश्यकता है कि संवैधानिक नियुक्तियों में सुधार करने और चुनावी कदाचार के लिए पार्टियों के पंजीकरण को रद्द करने के लिए चुनावी आयोग को शक्तियाँ प्रदान की जाएँ। भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपनी स्थापना के बाद से लोकतंत्र और विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक कराए हैं, लेकिन 2019 के आम चुनाव में यह सवालों के घेरे में आ गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर चुनाव आयोग को फटकार लगाई। जाति और धर्म के नाम पर घृणा फैलाने वाले भाषणों और आचार संहिता के उल्लंघन पर नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट फिर से विचार करेगा। कुछ चर्चित मुद्दों में एंटी सैटेलाइट परीक्षण मुद्दा शामिल है, इसको भी आचार संहिता का उल्लंघन माना गया। अनुमति के बिना नमो TV के लॉन्च पर भी सवाल उठाए गए। चुनाव आयोग ने हाल ही में प्रधानमंत्री की बायोपिक पर भी रोक लगाई। चुनाव आयोग ने विवादित बयानों के चलते विभिन्न नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें कुछ समय के लिए प्रचार करने पर रोक लगाई। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है। वर्तमान में सरकार द्वारा चुनाव आयुक्त की एक तरफा नियुक्ति की जाती है, जिसे एक समिति बनाकर नियुक्त किया जाना चाहिए। विधि आयोग ने अपनी 255वीं रिपोर्ट में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश की थी, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों। 2018 के अंत में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें निष्पक्ष एवं स्वतंत्र कॉलेजियम व्यवस्था के लिए निष्पक्ष, न्यायोचित और पारदर्शी प्रक्रिया की मांग की गई थी। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के तरीके के अलावा चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रणाली में भी सुधार की आवश्यकता है। चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा तब भी प्रभावित होती है जब वह राजनीतिक दलों का नामांकन रद्द नहीं कर पाता। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A के तहत चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों का नामांकन रद्द करने की शक्ति नहीं है। चुनाव आयोग ने कई बार पंजीकरण रद्द करने की शक्ति की मांग की है, लेकिन अब तक इसे प्रदान नहीं किया गया है। हालांकि इन सुधारों पर बहस जारी है। आइए देखते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त और अर्ध न्यायिक संस्थान है। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। निर्वाचन आयोग पर कार्यपालिका अथवा न्यायपालिका किसी का भी नियंत्रण नहीं होता है। आयोग ने 1950 में 16 अक्टूबर 1989 तक एक सदस्यीय निकाय के रूप में काम किया। 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक इसे 3 सदस्यीय निकाय में बदल दिया गया, लेकिन 1 जनवरी 1990 से फिर इसे 1 सदस्यीय निकाय में तब्दील किया गया। आखिरकार 1 अक्टूबर 1993 से आयोग नियमित रूप से 3 सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और अन्य 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष तक का होता है या 65 वर्ष की आयु तक का होता है, इनमें से जो भी पहले हो। महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अर्ध न्यायिक कार्य क्या हैं? आइए जानते हैं। संविधान के तहत आयोग के पास संसद और विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव के बाद अयोग्यता के मामले में सलाहकार की भूमिका है। जो उम्मीदवार विधि पूर्वक निर्धारित समय और रीति से अपने चुनाव खर्च का लेखा जोखा दाखिल करने में विफल होते हैं, उनकी चुनावी दावेदारी को रोक सकता है। चुनाव में यदि कोई कदाचार का दोषी पाया जाता है तो उसका मामला सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट में जाता है, तो उसे अयोग्य ठहराने के लिए आयोग की राय ली जाती है। ऐसे मामलों में आयोग की राय राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए बाध्यकारी होती है। यह अनियमितता व दुरुपयोग के आधार पर किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदान को रद्द कर सकता है। आइए देखते हैं निर्वाचन आयोग की प्रशासनिक शक्तियाँ क्या हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानसभाओं, विधान परिषदों, निगमों, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, ग्राम पंचायतों आदि के चुनावों का संचालन करता है। मतदाताओं की सूची तैयार करवाना और उनका निरीक्षण करना, चुनाव के संबंध में जो वाद विवाद अथवा संदेह उत्पन्न हो उनके निर्णय के लिए चुनाव न्यायालय की नियुक्ति करना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना, यह परिसीमन आयोग अधिनियम के अनुरूप निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है।
न्यायिक समीक्षा, आयोग के निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका द्वारा चुनौती दी जा सकती है। यदि एक बार चुनाव की वास्तविक प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो न्यायपालिका मतदान के संचालन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मतदान समाप्त हो जाने पर एवं परिणाम घोषित हो जाने पर आयोग किसी परिणाम का पुनरीक्षण स्वयं नहीं कर सकता है। संसदीय और विधानसभा में चुनाव के संबंध में इसका पुनरीक्षण केवल निर्वाचन याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी जाती है। भारतीय चुनाव आयुक्त टीएन सेशन ने 1990 से 1996 के दौरान चुनाव प्रणाली को मजबूत बनाया। उनके कार्यकाल में चुनाव आयोग को सबसे ज्यादा शक्तियां मिली तथा चुनाव सुधार लागू हुए, साथ ही फर्जी मतदान पर रोक लगाई गई, साथ ही आचार संहिता का सख्ती से पालन शुरू हुआ, लोकतंत्र की नींव और ज्यादा मजबूत हुई, पार्टियों और प्रत्याशियों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए पर्यवेक्षक तैनात करने की प्रक्रिया का सख्ती से पालन हुआ। आइए देखते हैं लेख से संबंधित मुख्य परीक्षा का प्रश्न क्या है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव संचालन के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों की विवेचना करते हुए निर्वाचन आयोग पर उठ रहे प्रश्न चिन्हों की समीक्षा कीजिए। हमें उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपकी विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में मददगार साबित होगा। हम इस तरह के टॉपिक भविष्य में भी लाते रहेंगे। निर्माण IAS YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।